आर्टिकल 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आइए इसे स्टोरी के फॉर्म में समझते हैं। जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो कई लोग अपनी जमीन, घर और धर्म के हिसाब से एक कंट्री से दूसरी कंट्री चले गए। कुछ मुस्लिम फैमिली भारत से पाकिस्तान शिफ्ट हो गई क्योंकि उन्हें लगा कि वहाँ उनका नया घर होगा। लेकिन पार्टीशन के बाद वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन और अनस्टेबल कंडीशन ने कई लोगों को मजबूर कर दिया कि वो अपने डिसीजन पर फिर से सोचे। कुछ साल बाद कुछ लोग जो पाकिस्तान गए थे उन्होंने वापस भारत आने का फैसला किया क्योंकि वहाँ की जिंदगी उतनी आसान नहीं थी जितनी उन्होंने सोची थी। ये वो लोग थे जो वहाँ सेटल नहीं हो पाए या जिनके रिश्ते वापस भारत के साथ जुड़े हुए थे। इन लोगों के लिए आर्टिकल 7 बनाया गया जो कि उनकी सिटीजनशिप के बारे में डिसीजन लेता है। आर्टिकल 7 कहता है अगर कोई व्यक्ति पार्टीशन के दौरान पाकिस्तान गया था लेकिन वापस भारत आ गया और वापस आने के बाद गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग रिसेटल्ड हो गया तो उस व्यक्ति को भारत की सिटीजनशिप मिल सकती है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान गए लेकिन फिर से भारत आके वापस यहाँ सेटल हो गए तो वो फिर से इंडियन सिटीजन बन सकते हैं। आइए रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझाते हैं। एक उदाहरण लेते हुए एक मुस्लिम व्यक्ति जो पार्टीशन के बाद भारत से पाकिस्तान चले गया लेकिन कुछ साल बाद वापस अपने पुराने गांव भारत में आया क्योंकि वहां से हालात ठीक नहीं थे। उस व्यक्ति ने भारत में गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग रिसेटल किया और फिर से इंडियन सिटीजन बन गया। ये एग्जाम्पल बताता है कि आर्टिकल 7 कैसे उन लोगों को सिटीजनशिप देता है जो वापस भारत आना चाहते हैं। अब जानते हैं इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में। फर्स्ट, फेयर ट्रीटमेंट फॉर रिटर्निंग सिटीजन्स। इस आर्टिकल ने उन लोगों को एक सेकेंड चांस दिया जो पहले पाकिस्तान चले गए थे लेकिन वापस आने के बाद अपनी पुरानी सिटीजनशिप पा सकते थे। सेकेंड, रीसेटलमेंट अपॉर्चुनिटी। जो लोग पाकिस्तान गए और वहाँ सेटल नहीं हो पाए उन्हें वापस भारत आने के और यहाँ दोबारा अपनी जिंदगी बनाने का मौका दिया गया। थर्ड, प्रोटेक्शन ऑफ आइडेंटिटी। आर्टिकल 7 ने उन लोगों को अपनी पहचान वापस दी जो पहले माइग्रेशन के दौरान पाकिस्तान चले गए थे लेकिन अपनी रूट या भारत के साथ जुड़े रिश्ते को नहीं तोड़ पाए। अब जानते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ आर्टिकल 7। रिस्क ऑफ कन्फ्यूजन। इस आर्टिकल के कारण कुछ लोगों के लिए कन्फ्यूजन बनी कि कौन एलिजिबल है और कौन नहीं। कुछ केसेस में लोगों को वापस आने के बाद ब्यूरोक्रेटिक्स हर्डल का सामना करना पड़ा। लिमिटेटेड टू स्पेसिफिक ग्रुप। ये आर्टिकल मेनली उन लोगों को हेल्प करता है जो पहले पाकिस्तान गए थे और फिर वापस आए लेकिन जो लोग उस समय दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो गए थे उनका इस आर्टिकल में ध्यान नहीं रखा गया। कन्फ्लिक्ट ओवर रिसोर्सेस। आर्टिकल 7 के कारण जो लोग वापस भारत आए उन्हें सेटल करने के लिए रिसोर्स चाहिए थे। इससे कई जगह पे लोकल रिसोर्सेस के लिए कंपटीशन बढ़ गया और ये लोग रेसिडेंट्स के बीच टेंशन का कारण बना। अब आते हैं कंक्लूजन पर। आर्टिकल 7 एक जरूरी प्रोविजन है जो उन लोगों को इंडियन सिटीजनशिप वापस दिलाता है जो पार्टीशन के टाइम पाकिस्तान गए थे लेकिन बाद में भारत वापस आए। इस आर्टिकल ने पोस्ट पार्टीशन की रियलिटीज को एड्रेस किया और नेशनल इंटीग्रिटी को बनाए रखा।